बीते गुरुवार को बॉलीवुड की जानी मानी हसीना मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल मेहता ने आत्महत्या कर ली थी और उन्होंने अपने बिल्डिंग की 6वें माले से कूदकर खुदकुशी कर लिया था। इस खबर ने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को झटका सा दे दिया था। वहीं दूसरी ओर मलाइका भी बदहवास हालात में आई थी। जिस वक्त उनके पिता ने आत्महत्या की उस वक्त वो पुणे में मौजूद थी और कुछ घंटों के बाद वो अपने पिता के घर पर पहुंची। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा मलाइका की मदद करने वाले उनके सबसे ज्यादा करीबियों में से एक अरबाज और अर्जुन कपूर थे। ऐसा पहला मौका था जब अरबाज और अर्जुन कपूर एक साथ मलाइका अरोड़ा के घर पर पहुंचे थे। अरबाज खान ने जहां पर मलाइका अरोड़ा के ना पहुंचने पर उनकी सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी, तो वहीं दूसरी ओर अर्जुन कपूर भी इस दुख की घड़ी में मलाइका अरोड़ा के साथ खड़े। लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि मलाइका अरोड़ा से नाता तोड़ने वाले अर्जुन कपूर अब दोबारा से उनके साथ देने वाले हैं। और खबरों की माने तो बताया जाता है कि अर्जुन कपूर दुख की इस घड़ी में मलाइका अरोड़ा को सहारा देने के लिए उनसे शादी भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अरबाज खान से जब नाता टूटा तो मलाइका अरोड़ा काफी अकेली रह रही थी, लेकिन जब उनकी जिंदगी में अर्जुन कपूर आए तो उनकी जिंदगी में मानो बहार सी आ गई। अर्जुन कपूर मलाइका अरोड़ा को एक साथ पैपराजी ने कई बार स्पॉट भी किया और कई सालों से लगातार इन दोनों की शादी होने की खबरें भी सामने आ रही थी। लेकिन उनके पिता की आत्महत्या करने से पहले अर्जुन कपूर ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था और इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। तो वहीं दूसरी ओर बीते गुरुवार को जब मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल मेहता ने आत्महत्या कर ली और इस खबर से जहां एक तरफ पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री सदमे में थी, तो वहीं दूसरी ओर मलाइका अरोड़ा को इस दुख की घड़ी में अरबाज और अर्जुन कपूर ने सहारा दिया। तो वहीं दूसरी ओर अर्जुन कपूर और मलाइका का लेटेस्ट वीडियो भी सामने आ चुका। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मलाइका मुंबई से जब बाहर थी तो इसी बीच उनके परिवार में ऐसा हादसा हुआ जिसकी उन्हें भनक भी नहीं थी। मलाइका के पिता अनिल मेहता ने 6वीं मंजिल से कूदकर जान दे डाली थी। बुधवार सुबह 9 बजे तकरीबन यह मामला बताया जा रहा था और ये खबर आग की तरह फैल गई और हर ओर चर्चाएं होने लगी कि आखिर मलाइका के पिता अनिल मेहता ने ऐसा क्यों किया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मलाइका अरोड़ा इस घटना के दौरान शहर से बाहर यानी पुणे में थी और जैसे ही उन्हें इस घटना का पता चला वो सब कुछ काम धाम छोड़कर अपने पिता के घर की तरफ बढ़ी। इस दौरान मलाइका के लिए उनके परिवार वाले करीबी दोस्त और अर्जुन कपूर सबसे बड़ा सहारा बने। तो ये दूसरी ओर देर रात तक मलाइका अरोड़ा अपने पिता अनिल मेहता के घर पर ही थी। पुलिस की कार्रवाई के बीच वो अपनी बहन अमृता अरोड़ा और मां जेसी के साथ दिखी। पुलिस ने सभी बयानों को नोट किया। सामने आया कि अनिल मेहता ने अपनी दोनों बेटियों को आत्महत्या से ठीक पहले फोन भी किया था। इतने नहीं, अनिल ने यह भी कहा था कि वो थक चुके हैं। अनिल की पत्नी ने बताया कि वो जब सुबह अपने पति को खोज रही थी तो हॉल में उनकी चप्पल रखी थी लेकिन वो नहीं दिखे। वो बालकनी में पहुंची तो पता चला कि वो नीचे गार्ड चिल्ला रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि मलाइका के पिता को कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ उनके घुटने में दर्द की समस्या थी। हालांकि मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा दोनों ही काफी हैरान व परेशान नजर आई थी। पिता के जाने का गम दोनों के चेहरों पर साफ तौर पर देखने को मिला। मायूसी और उदासी भरे चेहरों के साथ दोनों गाड़ियों में बैठकर रवाना हुई थी। इस दौरान दोनों के साथ करीना कपूर, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, टेरेंस लुइस, मलाइका का बेटा अरहान और अमृता के पति शकील लद्दाख नजर आए थे। इसके अलावा अर्जुन कपूर भी साथ में सपोर्ट किए गए। वो सबसे आगे आए, रास्ता खाली कराए और मलाइका को गाड़ी से बिठाकर विदा किया। इस दौरान अर्जुन कपूर मलाइका को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। कई लोगों का मानना है कि अर्जुन कपूर इस दुख की घड़ी में मलाइका के साथ दोबारा से रिश्ते में आ सकते हैं। हालांकि इन खबरों को ना तो मलाइका और ना ही अर्जुन कपूर ने अभी तक पक्के तौर पर पुष्टि की है, लेकिन माना जा रहा है कि दुख की इस घड़ी में मलाइका का साथ देने के लिए अर्जुन कपूर अब दोबारा से इस रिश्ते को अपना सकते हैं।